सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वो शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, दिखाना आँख, आँख दिखाना तेरा, ये नाखून दिखाना। लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। अच्छा, जांच कराकर देखते हैं। ठीक है। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल जी। डॉक्टर दीदी, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। ठीक है। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वो पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल जी। दीदी, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वो बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वो जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अच्छा। दूसरा वो जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ओह हाँ, ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल। हाँ दीदी। सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। अरे हाँ। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो बोला,
इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। ओह, इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। अच्छा। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल और कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। अच्छा। हाँ, लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ ये कहना काफी हद तक सही होगा। यों तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बहुत बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। अच्छा। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल जी, दीदी, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। ओह। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। समझा। हाँ, और इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। ओह। दीदी। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वो पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। ओह। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अच्छा। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। ओह।
रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। अच्छा, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल। हाँ दीदी। हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। ओ, कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को मुख्य चार वर्गों में बांट दिया गया है। अच्छा। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। समझा। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तो? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। अच्छा। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। ओ। जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। अच्छा। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए ये आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। ओ। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। ओ। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। अच्छा। प्रायः ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। ओ। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। अच्छा। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? ओ। दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्त दान किया करूँगा। अनिल ने कहा। शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। रक्त और हमारा शरीर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रमोद कुमार दुबे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख यतीश अग्रवाल, कलाकार विजय कुमार सिन्हा, अंजलि और श्रेयस, तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े, ध्वनिंकन अमिता भट्टी और बटिलैंग लिंगदो, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।